नमस्ते, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी मैं आई हूँ कृष्णा के ही रूम पे हूँ मैं। कृष्णा अभी नहीं है एक्चुअली, आज मेरी छोटी सिस्टर आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है। रात के 10 बजे उनकी फ्लाइट है, जो टेका होंगे दिल्ली में ही महिपालपुर टर्मिनल 1 में, तो मुझे रात को 10 बजे जाना है, इसलिए मैं अकेले नहीं जा सकती, इसलिए मैं इनके पास आई हूँ। तो रात में मैं और ये जाएंगे उसको रिसीव करने। बैकग्राउंड में जो बच्चे चिल्ला रहे हैं उसको माइंड मत करना, क्योंकि बहुत बच्चे हैं, शाम का टाइम है तो सब खेल रहे हैं। तो आज हम खाना पीना यही करने वाले हैं। मैं आज बनाने वाली हूँ नॉनवेज। मुझे पता जो वेजिटेरियन होंगे उनसे मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, कोशिश है मैं छोड़ देने के लिए, और ऐसे सडनली नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं बचपन से खा रही हूँ, तो छोड़ दूंगी ऐसा कोशिश है। शादी के बाद साथ छोड़ने का प्लान है मेरा, तो और मैं छोड़ दूंगी, तो बस यही है। तो मिलते हैं, मिलवाती हूँ छोटी सिस्टर से आप सभी को। बाय। सीमा आ रही है आज, मेनू रेडी होके जा रही है और आप लेने। मैं भी जा रहा हूँ, कस्टमर सुन रहा है, बाल कटवाया, स्पीकर पे बात कर रहा हूँ। हाँ सच में मैं भी सुन रही हूँ। चल के मिलाते हैं आपको सीमा से, दो दिन बाद आ रही है वो मिलने। 10:30 का टाइम है उनका, हम लोग वैसे लेट हो चुके हैं थोड़ी। 10:30 का उनका एयरपोर्ट पे टाइम है, हम लोग पहुँच रहे हैं 10:15, तो यही हो गया गुड़गांव में। अभी दिल्ली पहुँचने में देखते हैं भैया कितना टाइम लगाते हैं, जाके आप लोग को मिलाते हैं सीमा से। बी केयरफुल, मैं तो यही बोलूंगी। आसपास और सोनभद्र, नाम सुने सोनभद्र? मिर्जापुर रास्ते में आता था, मैं बिहार जाता था ना। बनारस आता होगा रास्ते? हाँ, बनारस से पहले। हाँ तो समझिए, बनारस ही लोग जानता है इतना। सोनभद्र मिर्जापुर, तो मिर्जापुर पर मैंने सुना है, मिर्जापुर में मिर्जापुर सबसे ज्यादा फेमस हुआ ना अपनी वेब सीरीज की वजह से, जो वेब सीरीज निकली थी मिर्जापुर वाली, दुनिया में वो ये सब नाम छाप छोड़ गई हम लोग। डीएलएफ है ना, हम लोग दूर हैं, 10:28 हो गया, बहुत जाम है, पूरा जाम है, टर्मिनल 3 तक जाम है। अच्छा, अरे यार पूरा 3 तक है, क्योंकि ऑल टैक्सी हमको यार एयरपोर्ट वाले ही है सब। एयरपोर्ट वाले हैं, 90 खुल गया इन लोग का, और प्लस में नोएडा जाने वाले सब इसी रूट से है। इसी से जा रहे हैं नोएडा वाले भी, तब ड्यूटी वाले सब होंगे। ड्यूटी वाले हैं, एयरपोर्ट वाले हैं। कितनी खुशी हो रही है, लेकिन दिख नहीं रहा है तुम्हारे चेहरे से खुशी। अब क्या मतलब, बाउले हो जाए, बाउले से नोच ले तभी मानेंगे क्या? नोचो नो। सीमा आ गई है और हम लोग लेट हो चुके हैं। उतर गई है वो, उसका फोन भी ऑफ होने वाला है। हेलो। हाँ बस ऑन द वे, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों ट्रैफिक है। तुम आ रहे, सबको पता चल गया था क्या? ज्यादा डिस्टेंस नहीं है यार, लेकिन आज ट्रैफिक ही है बस। अब कहाँ हो ये बता दो। 9-10 पिलर नंबर 9-10 के बीच में हो बस ना। करंट लोकेशन भेज के वहीं खड़ी रहो, हमें ना करंट लोकेशन भेज के ना तुम वहीं खड़ी रहना। यदि बैटरी है तो, नहीं तो मेरा नंबर एक बार याद कर लेना, मान के। कितना जाम है, पूरा टर्मिनल 3 की तरफ ही जा रहा है, इसीलिए काफी जाम है। लोग अभी तो निकल चुके हैं ये सर्विस लाइन से, भैया ने गाड़ी निकाल ली है, तो उतना टाइम नहीं लगेगा। फरीदाबाद से बस पहुंची, गाड़ी से नीचे उतर गए हैं, जा रहे हैं लेने पैदल थोड़ा सा। फाइनली हम आ गए एयरपोर्ट पे। मिल गया भाई साहब, हम ढूंढते ढूंढते कावरे बावरे हो गए, भूल भुलैया सा एयरपोर्ट। हाँ तुमको भूत लगा है, चलो झाड़ते हैं घर पे। इनको लगा है भूत। यस वीडियो नहीं तो उसकी वीडियो करवा देंगे जो पी।
खूबसूरत सीनरी। बस यही ऊपर में है देखो, इतना खामो खा हम लोग शोर ही है पैकिंग। सॉरी सीएनजी वाली है क्या? तभी इतनी बड़ी टंकी रखी हुई आ जाएगी। ओके जल्दी चलो भाई साहब, जबरदस्त।